नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम नेहा नागरानी है और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस में। तो अभी तक किसी ने भी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू शेयर द वीडियो, ताकि आप जैसे हर बच्चे तक इन वीडियो का बेनिफिट पहुंच सके। अब बिना टाइम वेस्ट किए अपनी अकाउंट्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम अपनी अकाउंट्स क्लास में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म चैप्टर पे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म क्या है और उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने समझे थे। आज हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को कंटिन्यू करेंगे और इसे खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो। ओके, तो डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप डिसॉल्व होना, साथ में फर्म का बंद होना, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जिसमें फर्म तो बंद होती ही है साथ में पार्टनरशिप भी खत्म। भाई जब फर्म ही बंद हो गई, बिजनेस ही बंद हो गया, तो काय की पार्टनरशिप रहेगी, है कि नहीं। ओके, सो इसमें जो सबसे मेन होता है, सबसे मेन जिसके बेस पे ही सारे सम सॉल्व होते हैं इस चैप्टर के, वो है रियलाइजेशन अकाउंट। क्या है जी? रियलाइजेशन अकाउंट। अब ये क्या है इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, आ जाइए सब। ओके, ये हमने सारा समझ लिया था, ये हुआ। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट को हम लोग बहुत अच्छे से समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है। बैलेंस शीट होती है जी, जिसमें असेट होते हैं, लाइबिलिटी होती है ना, है कि नहीं। अब आपने डिसाइड, ध्यान से, अब आपने डिसाइड किया, भाई मैं तो इस फर्म को कर रही हूँ बंद, मतलब मेरी पार्टनरशिप भी हो रही है खत्म, मैं इस फर्म को कर रही हूँ बिल्कुल बंद। ओके, हमने डिसाइड कर लिया, अब क्या करें। अब देखो, बैलेंस किसका होगा? असेट और लाइबिलिटी का कुछ ना कुछ बैलेंस होगा कि नहीं होगा? होगा जी, तभी तो बैलेंस शीट बन रही है। बैलेंस शीट क्या होती है? जिन चीजों के बैलेंस होते हैं, असेट एंड लाइबिलिटी। अब इनका क्या करें? डिसोल्यूशन मतलब पूरी की पूरी फर्म हमें बंद करनी है, सारे अकाउंट क्लोज करने हैं, जितने भी अकाउंट ओपन है उन्हें क्या करना है जी? खत्म, मतलब उनका क्या करना है जी? क्लोजर। ठीक है, इसके लिए बना है क्या? रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बना है जी? ध्यान से देखिए, इसके लिए बना है रियलाइजेशन अकाउंट। अब इसमें हम क्या करते हैं, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से पूरा रियलाइजेशन अकाउंट समझाती हूँ, जिससे आप कोई भी एंट्री, कोई भी सम बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। ओके, चल आ जाओ, हमने यहां तक पूरा समझ लिया है। ओके, आ जाइए। देखो जी, बैलेंस शीट कंसेप्ट से ही हम रियलाइजेशन अकाउंट को समझेंगे, ताकि आप सारे सम बहुत इजीली सॉल्व कर लो। ओके, विजिबल है सबको? ठीक है, ये जी है हमारी बैलेंस शीट। इधर होते हैं असेट, इधर होती है लाइबिलिटी। ठीक है जी, ये तो सबको पता है जी। अब क्या करें? अब क्या करें जी? हम फर्म को कर रहे हैं बंद, डिसोल्यूशन कर रहे हैं फर्म का। ठीक है जी, कर रहे हैं डिसोल्यूशन, अब क्या करें? तो हमें जितने भी ओपनिंग अकाउंट्स हैं, जितने भी अकाउंट अभी तक ओपन है, सबको करना है जी बंद। जितने भी अकाउंट ओपन है उन सबको क्या करना है? बंद। कैसे करेंगे इन्हें बंद? एक अकाउंट से, जिसका नाम क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट। अब सुनो ध्यान से, देखो जी, पहला पार्ट, ये सारे असेट्स हैं। असेट्स का क्या होता है जी? डेबिट बैलेंस है ना, डेबिट बैलेंस होता है असेट्स का, होता है। सारे असेट को हमें बंद करना है, इनके डेबिट बैलेंस दिख रहे हैं, इन्हें करना है खत्म। तो सारे असेट्स को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। डेबिट बैलेंस को खत्म करना है, क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। कर दो क्रेडिट टू असेट। अब यहां पर मैंने असेट्स लिखा है, मतलब एवरी असेट, हर असेट को आप क्रेडिट करोगे। आप डेबिट किसको करें? इसके लिए तो आया है क्या? रियलाइजेशन अकाउंट। तो हमने डेबिट कर दिया
टू असेट्स। अब इसके अंदर सारे के सारे असेट्स आ जाएंगे एक्सेप्ट एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंस, पी एंड एल डेबिट बैलेंस। क्या लिखा है मैंने? कैश एंड बैंक बैलेंस, पी एंड एल डेबिट बैलेंस। देखो ध्यान से, कैश एंड बैंक असेट होता है, ये तो मानते हो असेट होता है। इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं ले जाते। क्यों नहीं ले जाते मैम? इसलिए नहीं ले जाते, फाइनल पूरा पहले रियलाइजेशन अकाउंट बन जाता है, उसके बाद आखिरी में बैंक से डीलिंग हो जाती है, वो सम के थ्रू। आप इसको और ज्यादा अच्छे से समझोगे, मैं ही समझाऊंगी, चिंता मत करो। बस अभी इतना समझ लो कि हम पहले पूरा रियलाइजेशन अकाउंट बना देते हैं, फाइनली जितना कैश उससे आता है और जितना कैश हमारे पास पड़ा है वो मिलकर हम सारे पार्टनर्स को दे देते हैं। इसीलिए हम कैश को रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं ले जाते, पहली चीज। ओके जी, दूसरा है पीएनडी का डेबिट बैलेंस। देखो बच्चा, अगर लॉस है, लॉस है तो उसका क्या होगा? डेबिट बैलेंस। वैसे तो ये पीएनडी डेबिट बैलेंस दिखना नहीं चाहिए, क्यों मैम? क्योंकि सारा का सारा प्रॉफिट या सारा का सारा लॉस पार्टनर्स कैपिटल में चला जाता है, राइट? अगर पार्टनरशिप फॉर्म में लॉस है वो भी पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होता है, पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट आया है वो भी पार्टनरशिप फॉर्म में ट्रांसफर होता है, मतलब कैपिटल अकाउंट में। इसका मतलब है अगर पीएनएल डेबिट बैलेंस असेट साइड में दिख रहा है, इसका मतलब है अभी तक आपने उसे पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर नहीं किया है। नहीं किया है जी, यस। पहली बात तो पीएनएल डेबिट बैलेंस कोई असेट है नहीं, असेट की डेफिनेशन को वो सेटिस्फाई नहीं करता। असेट क्या होता है? जिसके फ्यूचर में हमें एक साल से ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे और जिसको आप बेच सकोगे। पीएनएल डेबिट बैलेंस से ना ही फ्यूचर में कोई बेनिफिट होता है, ना ही लॉस को आप बेच सकते हो। पीएनएल के डेबिट बैलेंस को बेचने निकलोगे क्या? कौन पैसे देगा उसके, है ना? तो इसका मतलब क्या होता है जी, ये पीएनएल डेबिट बैलेंस एक असेट तो है नहीं, ये पार्टनर्स कैपिटल में जाना चाहिए था जो अभी तक गया नहीं है, इसलिए बैलेंस शीट में दिख रहा है। इसलिए इसको आप रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डालते, इसको डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल में डालेंगे, ठीक है? इसको पीएनएल का डेबिट बैलेंस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है? अब असेट साइड में जो भी चीजें हो सकती है मैंने आपको सारी बता दी। क्या बता दी? ध्यान से सुनो। सबसे पहले बैलेंस शीट में असेट्स दिख रहे हैं, लेकिन भाई ये फॉर्म तो बंद हो रही है, तो हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है सारे असेट्स को बेचो, उससे जो पैसे आए उससे लाइबिलिटीज का पेमेंट कर दो, यही मकसद है। तो सबसे पहले असेट को बंद तो करो। हमें सबसे पहले क्या करना है? अब हमारे लिए ना कोई असेट है ना कोई लाइबिलिटी, क्योंकि ये फॉर्म ही बंद हो रही है। तो इसको बंद करने के लिए हम एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिसका नाम होता है रियलाइजेशन अकाउंट। इतना क्लियर? ठीक है। अब सारे असेट्स को खत्म करना है, कैसे करोगे? सारे असेट्स का होता है डेबिट बैलेंस। खत्म करना है तो मतलब क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट, ठीक है। तो अब डेबिट किसको करें? उसके लिए तो हमने नया अकाउंट आपको दिया है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो हमने एंट्री क्या की? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट, सिंपल, ठीक है। असेट्स मैंने लिखा है, मतलब हर असेट को यहाँ पे क्रेडिट करोगे आप, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, ईच एंड एवरी असेट, ठीक है। टेंशन नॉट, विल डू द सम, जिसमें आपको और फर्दर इसका समझ में आ जाएगा मतलब, ठीक है। ओके, अब इन असेट्स में हम कैश इन बैंक को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे मैम? क्योंकि रियलाइज करके, मतलब असेट बेचकर लाइबिलिटी का पेमेंट करके जितने भी पैसे बच गए, वो पैसे साथ में जितना आपकी बैलेंस शीट में पैसे दिख रहे हैं वो पैसे सब मिलाकर वैसे ही पार्टनर्स को देना है, इसलिए इसे रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डालते। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, पीएनएल डेबिट बैलेंस जो असेट साइड में दिख रहा है वो तो हम बोलेंगे आपने गलती कर दी, वैसे भी ये आपको पार्टनर्स कैपिटल में ले जाना चाहिए था। आप अभी तक क्यों नहीं ले गए हो? तभी तो ये बैलेंस दिख रहा है, क्योंकि अभी तक आपने इसे पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर नहीं किया। तो हम दोबारा गलती क्यों करें इसको रियलाइजेशन में डालने की? हम इसे डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। ये हो गई बात असेट साइड की, ठीक है। अब लाइबिलिटी साइड बोल रहे हैं मेरी भी तो बात करो, मेरी भी तो बात करो, तो कर लेते हैं उसकी भी बात, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब आती है लाइबिलिटी साइड। अब लाइबिलिटी साइड पे जितनी भी लाइबिलिटीज हैं हमें उन्हें भी बंद करना है, उन्हें क्या करना है? बंद करना है, ठीक है। अब लाइबिलिटी साइड का जी होता है क्रेडिट बैलेंस, मानते हो? सारी लाइबिलिटीज का क्या होता है जी? क्रेडिट बैलेंस। बंद कर दो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को खत्म करना है, बंद करना है, तो सारी की सारी क्रेडिट चीजों को क्या करना पड़ेगा? यस, आप सबके जो दिमाग में आया है बिल्कुल सही,
डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारी एंट्री क्या होगी, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू व्हाट, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट किसे करोगे, इसके लिए तो हमने बनाया है जी रियलाइजेशन अकाउंट, सिंपल। ओके जी, ओके मैम, है ना। अब लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, सिंपल। अब देखो इसमें सारी की सारी लाइबिलिटीज आएंगी, सारी की सारी लाइबिलिटीज आएंगी, क्या नहीं आएगा वो देखो। रिजर्व, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पी एंड एल क्रेडिट बैलेंस। देखो बच्चा वन सेकेंड, हाँ सारी लाइबिलिटीज डेबिट होंगी, उन्हें हम बंद कर रहे हैं, तो हमने क्रेडिट किसको किया, रियलाइजेशन अकाउंट को, इसलिए तो ये अकाउंट बनाया है, सिंपल। लेकिन लाइबिलिटी साइड में अगर रिजर्व दिख रहा है, रिजर्व, वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ध्यान से सुन भाई, रिजर्व क्या होता है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम अलग कर देते हैं कि आगे जाके हमें कोई जरूरत पड़े तो, ठीक है। अब हमने वो हिस्सा अलग करा हुआ है, वो रिजर्व दिख रहा है, दिख रहा है भाई, अब तो फॉर्म ही बंद हो गई, आगे जाके क्या जरूरत पड़ेगी, तो ये रिजर्व, जैसे सारा का सारा प्रॉफिट किसको मिलता है, पार्टनर्स कैपिटल को, ये रिजर्व क्या है, क्या है ये रिजर्व, क्या है भाई, ये प्रॉफिट का ही तो हिस्सा है, अब फॉर्म तो बंद हो रही है, तो इसको डाल दो, अब क्या जरूरत पड़ेगी आगे, अब इसको कहाँ देंगे, क्या देंगे, यस आप सब लोग सही सोच रहे हो, पार्टनर्स को देंगे, तो ये डायरेक्टली रिजर्व कहाँ जाएगा बच्चा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। सिमिलरली पी एंड एल क्रेडिट बैलेंस, पी एंड एल क्रेडिट बैलेंस आप खुद ही समझ सकते हो, अभी तक का प्रॉफिट जो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर नहीं हुआ है, तभी तो वो क्रेडिट साइड में दिख रहा है भाई, उसे तो पार्टनर्स कैपिटल में ही डालो ना, वो तो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होता है, इसीलिए ये भी डायरेक्टली कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है मैम, इतना तो समझ गए। अब बच्चा देखो, पार्टनर्स कैपिटल लाइबिलिटी साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी दिखता है, लाइबिलिटी साइड में, लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट की एसेट साइड या लाइबिलिटी साइड, क्या यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल दिखता है, बिल्कुल दिखता है मैम, भाई इसको क्यों रियलाइजेशन में डालोगे, ये थोड़ी ना खत्म करना है, फाइनली फाइनली सब चीजें खत्म होने के बाद पार्टनर्स को तो पैसे देने पड़ेंगे ना, तो पार्टनर्स कैपिटल कैसे खत्म होगा, उनका पैसा उन्हें वापस देके, पार्टनर्स कैपिटल क्या होता है, उन्होंने पैसे दिए हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे खत्म होगा, फाइनली असेट बेच के लाइबिलिटीज का पेमेंट करके जो बच गया वो सारा का सारा पार्टनर को देंगे, तब जाके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खत्म होएगा ना, होएगा कि नहीं होएगा, हाँ होएगा, तो इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल भी रियलाइजेशन में नहीं जाता, समझ गए। टू कंक्लूड, असेट साइड सारे असेट्स को बंद करना है, उनका होता है डेबिट बैलेंस, हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, बंद करने के लिए तो हम एंट्री क्या करेंगे, रियलाइजेशन टू ईच एंड एवरी असेट अकाउंट, ठीक है, पर उसमें कैश एंड बैंक को हम नहीं डालेंगे रियलाइजेशन में, मैंने बता दिया, पी एंड एल डेबिट बैलेंस को हम नहीं डालेंगे रियलाइजेशन में, मैंने बता दिया, ये पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा पी एंड एल का डेबिट बैलेंस, ठीक है। लाइबिलिटी साइड आ जाओ, सारी लाइबिलिटीज को खत्म करना है, वो क्रेडिट होती है बंद करना है, तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट, क्रेडिट किसको करें, रियलाइजेशन, तो ईच एंड एवरी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, खत्म 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 हो गई लाइबिलिटी खत्म। अब बच्चा इसमें पी एंड एल का अगर क्रेडिट बैलेंस हो तो वो नहीं आता, लाइबिलिटी साइड ही दिखता है ना वो, लेकिन वो पार्टनर्स कैपिटल में जाता है क्योंकि सारा का सारा प्रॉफिट तो पार्टनर्स को मिलता है, ठीक है। अगर जनरल रिजर्व, मैंने यहाँ रिजर्व जो लिखा है इसका मतलब होता है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व मतलब वो रिजर्व जो फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेबल है, फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेबल का क्या मतलब होता है, वन सेकेंड देख लीजिए, फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेबल का मतलब होता है जिसके ऊपर कोई भी
मतलब है ना, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि इसको हमें इसीलिए ही यूज करना है, ऐसा कुछ नहीं। आप किसी भी चीज के लिए उसे यूज कर सकते हो, वो है। अब भाई फॉर्म ही बंद हो रही है, जनरल रिजर्व तो वो होता है कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हमने अलग से निकाल के रखा है। अब भाई फॉर्म ही बंद हो रही है तो क्यों इतना दिमाग लगाते हो? सारा का सारा कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में, ठीक है। और पार्टनर्स कैपिटल भी लाइबिलिटी साइड दिखता है, वो भी रियलाइजेशन अकाउंट पे नहीं जाएगा। क्यों मैम? बिकॉज फाइनली रियलाइजेशन अकाउंट का जो बैलेंस है उससे पैसा आ रहा है कि जा रहा है वो पता चलेगा, और वो सारा का सारा पैसा हम पार्टनर्स कैपिटल को देंगे तभी उनके अकाउंट को हम खत्म करेंगे। क्योंकि पार्टनर्स ने हमें पैसा दिया था, फर्म बंद हो रही है तो हम पार्टनर्स को बोलेंगे लो अपना पैसा ले जाओ, अगर पैसा बचता है तो। क्योंकि पार्टनर्स जब पार्टनरशिप फर्म में आते हैं उन्हें पहले से ही पता है अगर ये फर्म डूबी तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, ओनर का तो रोल ही होता है। तो अगर नहीं डूबे तो चलो तुम्हें जितने पैसे हैं ले जाओ, अगर डूब गई है तो पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। मैं बहुत सिंपल लॉजिक से आपको पूरा रियलाइजेशन अकाउंट बता दूंगी, उसके बाद सम आप यूं करोगे, 10 मिनट के अंदर सम सॉल्व करोगे आप, ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं क्योंकि मैं सारा फंडा यही क्लियर कर दूंगी, ठीक है। चलो अब हमने असेट एंड लाइबिलिटी देख लिया, रियलाइजेशन अकाउंट को खत्म कर दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब असेट भी खत्म, लाइबिलिटी भी खत्म। असेट के बैलेंस दिख रहे थे हमने खत्म कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट में ले गए। लाइबिलिटी के बैलेंस दिख रहे थे हमने खत्म कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट में ले गए। अब ना हमारे पास कोई असेट है ना कोई लाइबिलिटी, सिंपल सिर्फ एक ही अकाउंट दिख रहा है, कौन सा? रियलाइजेशन अकाउंट। और ये अकाउंट हमने क्यों बनाया है? क्योंकि अब ये फर्म बंद हो रही है, हमें ये देखना है फाइनली असेट को बेच के लाइबिलिटी का पेमेंट करके हमारे पास कितने पैसे आ रहे हैं भाई, क्योंकि अब ये फर्म ही डिसॉल्व हो रही है, बंद हो रही है। क्लियर इतना फंडा? ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं, थर्ड एंट्री। अब हो गया असेट बंद हो गए, लाइबिलिटी बंद हो गई, खत्म। अब क्या हुआ? असेट को बेचोगे तो सही, असेट को बेच के पैसे तो आएंगे, है कि नहीं? है कि नहीं? आएंगे मैम, बिल्कुल आएंगे। जितने असेट दिख रहे थे उनको आपने बेचा तो होगा, बेचा होगा कि नहीं बेचा होगा मुझे ये बताओ। हाँ मैम बेचा होगा, बेचा होगा तो क्या आया होगा मैम? पैसे आए होंगे, पैसे को क्या लिखते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट। मैम क्रेडिट किसको करें? असेट, असेट बेचा है, असेट को क्रेडिट करेंगे, है ना? है ना? गलत बात, गलत बात। असेट को क्यों क्रेडिट करेंगे? असेट का तो कोई बैलेंस दिख ही नहीं रहा, जितने भी असेट्स थे सबको हमने रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दिया। मैं एक एग्जांपल से भी आप लोग को समझाती हूँ। बैलेंस शीट में मुझे स्टॉक दिख रहा था 1 लाख का, मतलब ये मेरा डेबिट बैलेंस है, मैंने इसको रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दिया, रियलाइजेशन 1 लाख टू स्टॉक 1 लाख। मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया? मैंने स्टॉक के बैलेंस को खत्म कर दिया। अब कोई असेट दिख ही नहीं रहा है। अब मेरे को फर्दर दिया है कि लेकिन एक्चुअली में तो असेट है ना मेरे पास, बैलेंस नहीं दिख रहा असेट का, बैलेंस नहीं दिख रहा, लेकिन क्या आपके पास से स्टॉक चला गया? नहीं, असेट को तो बेचोगे ना तभी तो लाइबिलिटी का पेमेंट करोगे, है कि नहीं? तो स्टॉक को आपने बेचा, आपको 1 लाख मिले, मतलब बैंक में पैसे आ गए 1 लाख। क्रेडिट किसको करें, किसको करें क्रेडिट? अरे भाई रियलाइजेशन अकाउंट को। क्यों? क्योंकि अब ना कोई असेट है ना कोई लाइबिलिटी है, अब हमारे पास सिर्फ एक ही अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो कुछ भी हो रियलाइजेशन अकाउंट ही डेबिट होगा, कुछ भी हो रियलाइजेशन अकाउंट ही क्रेडिट होगा, क्योंकि हमने सारे असेट एंड लाइबिलिटी सबको कहां ट्रांसफर कर दिया? रियलाइजेशन अकाउंट में। अब सबका हमने एक अकाउंट बना दिया, क्या? रियलाइजेशन अकाउंट। ऐसा क्यों किया है? ताकि सारा प्रोसेस सिंप्लीफाई हो जाए। अब हमारे सामने सिर्फ एक अकाउंट है, कौन सा अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। और एक और अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना, वो है। और एक बैंक अकाउंट है, 3 अकाउंट है हमारे पास। पहला रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल जिसमें सारे रिजर्व प्रॉफिट भी आएंगे, और तीसरा बैंक अकाउंट। जो बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट दिख रहा है हमने अभी खत्म नहीं किया, बस ये 3 ही अकाउंट है। तो क्या हुआ भाई, अब जब असेट को बेच के आपको पैसे आए, पैसे तो बैंक में आएंगे, आपने बैंक अकाउंट डेबिट किया, क्रेडिट किसको करेंगे भाई? क्रेडिट करो रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि ना मेरे पास कोई असेट है ना ही मेरे पास कोई लाइबिलिटी है, मैंने सबको खत्म करके कहां ट्रांसफर कर दिया है? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो मेरे सामने एक ही अकाउंट खुला हुआ है, कौन सा? रियलाइजेशन अकाउंट। तो मैंने किसे क्रेडिट किया? रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें मैं असेट जितने में भी बिका है उससे रिलेटेड मुझे जितने भी पैसे आए हैं बस मैं वो लिखूंगी।
तो मतलब ये असेट अगर 1 लाख का 80,000 में बिकता तो आप क्या करते, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 80,000। मैम इसमें तो लॉस हो गया, आपने लॉस क्यों नहीं लिखा? लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कैसे, अभी बताती हूँ। जब आपने असेट को बंद किया तो आपने रियलाइजेशन को 1 लाख से डेबिट किया है, मतलब स्टॉक 1 लाख। अगर उसको बेच के आपको सिर्फ 80,000 आएंगे तो आपने रियलाइजेशन को क्रेडिट किया बैंक से 80,000, ऑटोमेटिकली आपका लॉस आ गया ना। 1 लाख डेबिट किया, क्रेडिट सिर्फ 80,000 से कर रहे हो, इसलिए आपको कोई मेहनत इसमें करने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए हम पहले सारे असेट सारी लाइबिलिटी को बंद कर देते हैं। भाई इसे बंद करो, बहुत दिमाग खाया है इसने, इसे पहले बंद करो, सारे असेट्स को बंद करो, सारी लाइबिलिटीज को बंद करो। ये बहुत ज्यादा दिमाग खा रहा है हमारा, है ना। तो हमने सारे असेट्स को कर दिया बंद, सारी लाइबिलिटीज को कर दिया बंद, इसे रैप करो, इसे खत्म करो। ये करने के बाद जब हमने एक बार ये कर दिया, असेट बंद कर दी, लाइबिलिटी बंद कर दी, खत्म हो गया। अब जब हम असेट्स को बेच रहे हैं उससे हमें पैसे आ रहे हैं, तो हमने बैंक अकाउंट डेबिट किया, क्रेडिट किसे करें? अरे हमारे पास एक अकाउंट है तो सही, रियलाइजेशन, उसको क्रेडिट किया। ठीक है, अब आगे सुनो। आगे क्या है, लाइबिलिटीज का पेमेंट कौन करेगा? करोगे अब किसी लाइबिलिटी का पेमेंट क्या, लाइबिलिटी को क्लोज तो कर दिया आपने। कैसे क्लोज किया है? सबके सबको आपने किस में डाल दिया, रियलाइजेशन अकाउंट में। पेमेंट तो करना पड़ेगा, पेमेंट करोगे मतलब पैसा जाएगा, क्रेडिट क्या होगा, बैंक या कैश जो भी। डेबिट क्या होगा बताओ, बताओ डेबिट क्या होगा, आप लोग बताओ, मैं डेबिट कर रही, बताओ बताओ। है ना एक अकाउंट हमारे पास, रियलाइजेशन अकाउंट, जिंदाबाद। सिंपल सिंपल। अब आपने जितना भी पेमेंट किया है लाइबिलिटी का सारा यहाँ लिख दो, दिमाग लगाना ही नहीं है। सारे असेट को बंद कर दिया, रियलाइजेशन में ले गए। सारी लाइबिलिटीज को बंद कर दिया, रियलाइजेशन में ले गए। असेट को बेच के जितने पैसा आया रियलाइजेशन में ले आओ। लाइबिलिटी का पेमेंट करके जितना पैसा चला गया रियलाइजेशन से एडजस्ट कर लो। फाइनली पता चल जाएगा कितना पैसा बच गया, बस खत्म। इसीलिए बनाया गया रियलाइजेशन अकाउंट कि कोई कंफ्यूजन ही नहीं हो कि असेट इतने का था, इतने में बिका, तो मतलब अगर ज्यादा बिकाए तो प्रॉफिट, कम बिकाए तो लॉस, ऐसे अलग अलग असेट का करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्म तो बंद हो रही है। अब आप हर एक असेट को बेच दोगे और हर एक लायबिलिटी का पेमेंट कर दोगे क्योंकि फॉर्म बंद हो रही है, तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता कि हर एक असेट को बेचो कि अच्छा ये इतने का दिख रहा था हमारी बुक्स में, हमारी बुक्स में इतने का दिख रहा था, अच्छा तो कितने का बिका, तो इस पर प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ऐसे हर एक असेट को। फिर लाइबिलिटी पे आ जाओ, हर एक लाइबिलिटी का पेमेंट करो, तो जितनी बुक्स में दिख रही है उतना ही पेमेंट कर रहे हो या उससे ज्यादा का पेमेंट कर रहे हो, हर एक लाइबिलिटी को भी देखो, फिर फाइनली निकालो कि भाई प्रॉफिट है कि लॉस हुआ। कितना कॉम्प्लिकेशन, उसने बोला कोई कॉम्प्लिकेशन की जरूरत नहीं है, सारे असेट को एक अकाउंट में ले आओ, किसमें, रियलाइजेशन अकाउंट। जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हो, एक पूल बना रहे हम, एक पूल में सारे बच्चों को एक साथ ले आए, चलो मजे करो, वैसा। सारे असेट आ जाओ जी, आ जाओ, आ गए। लाइबिलिटी आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ, किसमें आ गए, रियलाइजेशन अकाउंट आ गए। अब बस, अब कोई भी असेट बिका तो उसका पैसा भी किसमें आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि कोई असेट तो दिख ही नहीं रहा, बैलेंस खत्म कर दिए, एक ही अकाउंट जिंदा है, रियलाइजेशन अकाउंट। किसी भी लाइबिलिटी का पेमेंट करा है तो लाइबिलिटी तो दिख ही नहीं रही है, उसको तो हम रियलाइजेशन में ले गए, एक ही अकाउंट दिख रहा है, रियलाइजेशन, तो हमने वहीं से पेमेंट कर दिया, पैसा सारा रियलाइजेशन में लाया, वहीं से हमने पेमेंट भी कर दिया, हो गया ये बिल्कुल क्लियर। ठीक है, ओके ओके ओके। मैम फिर जो है ना हमारी बैलेंस शीट पर बैंक बैलेंस दिख रहा है, वो क्यों नहीं लाते हैं? वो इसलिए नहीं लाते, पहले हम फाइनली ये देखना चाहते हैं कि हमारे जो बचे हुए एसेट्स हैं उन्हें बेचकर हमें कितना पैसा आ रहा है और उसमें से हम कितनी लायबिलिटी का पेमेंट कर पा रहे हैं। अगर हम पूरी लायबिलिटी का पेमेंट नहीं कर पाए तो हमारा लॉस आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। वो सारा लॉस कहाँ ट्रांसफर होता है, पार्टनर्स कैपिटल में, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होता है लॉस। ठीक है, फिर वो बचे हुए पैसे, देखो पूरा सिस्टम समझो, सिस्टम समझो।
असेट को बेचा, पैसे आए, लायबिलिटी का पेमेंट करा उससे, ठीक है। अगर आप सारी लायबिलिटी का पेमेंट नहीं कर पा रहे तो डेबिट बैलेंस ज्यादा हो जाएगा, मतलब लॉस, वो सारा लॉस, रियलाइजेशन का सारा प्रॉफिट या लॉस कहाँ जाता है, कैपिटल अकाउंट में चला गया। अब पार्टनर्स को इतने पैसे देने थे लेकिन डेबिट बैलेंस भी तो हो गया, तो पार्टनर्स का कैपिटल कम हो जाएगा, तो उसे कम पैसे देंगे। और अगर इतना कम हो गया कि बिल्कुल ही डेबिट हो गया, फिर तो पार्टनर्स अपनी जेब से पैसे लाएंगे, ठीक है। ओके, ये पूरा बेटा आपको एक एक सम करोगे ना तो समझ में आएगा, ठीक है। अभी पहले इतना समझो, कोई भी रिजोल्यूशन का सिंपल सम के अंदर सिर्फ इतना ही होता है। क्या होता है जी, पहला स्टेप दिमाग ही नहीं लगाना, बस कैश एंड बैंक और पीएनएल डेबिट बैलेंस छोड़ के सारे असेट्स को कहां ले आओ, रियलाइजेशन में, लाइबिलिटी पे आओ, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल, पीएनएल क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, इसे छोड़ के सारी की सारी लाइबिलिटीज को कहां ले आओ, रियलाइजेशन आ गई। अब असेट को बेच के जो भी पैसा है कहां लेके आना है, रियलाइजेशन में। क्या एंट्री होगी, बैंक टू रियलाइजेशन। लाइबिलिटी का पेमेंट करके जितना भी पैसा गया कहां से जाएगा, रियलाइजेशन से जाएगा, क्योंकि सारा पैसा लेके ही रियलाइजेशन में आ गए हो। असेट और लाइबिलिटी का कोई बैलेंस नहीं दिख रहा है, सब खत्म हो गई ना, एक ही अकाउंट जिंदा है, कौन सा, रियलाइजेशन अकाउंट। तो हमने क्या किया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा चलते। फाइनली इसमें डेबिट साइड ज्यादा तो लॉस, क्रेडिट साइड ज्यादा तो प्रॉफिट। लॉस है तब भी पार्टनर्स को ट्रांसफर करो, प्रॉफिट है तब भी पार्टनर्स को ट्रांसफर करो, किस रेशियो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, कैपिटल अकाउंट में, बस इतना ही करते हैं। हाँ जी, इतना ही करते हैं, देखो कैसे। ये मैंने आपको बता दिया, एक बहुत ही बेसिक सिंपल क्वेश्चन अगर डिसोल्यूशन का होगा तो वो यही बात करेगा, और हर क्वेश्चन में ये बेसिक चीज तो होगी ही होगी। देखो, ये है डेबिट, ये है क्रेडिट, सारे असेट्स को खत्म कर रहे हो, मतलब असेट्स को क्रेडिट करोगे, डेबिट क्या हुआ होगा, रियलाइजेशन, सारी लाइबिलिटीज को खत्म कर रहे हो, तो लाइबिलिटीज हुई होंगी डेबिट, क्रेडिट क्या हुआ होगा, रियलाइजेशन, ये मेरा रियलाइजेशन अकाउंट बन रहा है, ठीक है, लाइबिलिटी। अब असेट को बेच के जितना भी पैसा आया होगा तो बैंक डेबिट हुआ होगा, क्रेडिट क्या हो रहा है, रियलाइजेशन, तो असेट सेल, बैंक अकाउंट में पैसा। सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट करोगे तो पैसा जाएगा, डेबिट क्या होगा, रियलाइजेशन, लाइबिलिटी का पेमेंट। रियलाइजेशन डन जी, हो गया जी, ठीक है। अब देखो, अगर इसका टोटल क्रेडिट साइड इज मोर, डेबिट साइड इज लेस, इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट। इधर लिखोगे, अलग पेन से लिखती हूँ, प्रॉफिट, ये सारा प्रॉफिट किसको ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स, ठीक है। अगर लेकिन डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो क्या है, लॉस, तो ये होगा लॉस, तो ये भी किसको ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स को। ये सब किस रेशियो में ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन का हमने सारा फंडा क्लियर कर दिया। फर्स्ट पॉइंट, असेट से रिलेटेड, लायबिलिटी से रिलेटेड, असेट को बेचने से रिलेटेड, लायबिलिटी के पेमेंट से। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। अब आपको एक्स्ट्रा पॉइंट देंगे, एक अनरिकॉर्डेड असेट को हमने बेचा जिससे हमें जितने भी पैसे मिले, एग्जाम्पल 5,000 रुपए मिले, इसका क्या ट्रीटमेंट करोगे आप। देखो बच्चों, अपने बैलेंस शीट में अभी तक उस असेट को नहीं दिखाया, आपने बैलेंस शीट में अभी तक उस असेट को नहीं दिखाया है, ठीक है, और आपने सीधा सीधा लिख दिया, मैंने जो असेट दिखाया ही नहीं बैलेंस शीट में लेकिन मेरे पास था, उसको बेच के मेरे को 5,000 रुपए आए, तो आप किसको डेबिट करोगे, पैसे तो आए, बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे 5,000।
मैम क्रेडिट किसको करेंगे? आपके सामने कौन सा अकाउंट जिंदा है? सिर्फ रियलाइजेशन। असेट लाइबिलिटीज के तो अकाउंट ही मर गए हैं। क्यों? क्योंकि सारे के सारे कहाँ चले गए? रियलाइजेशन में। वो अकाउंट ही जिंदा नहीं है, वो अकाउंट ही जिंदा नहीं है क्योंकि सारा का सारा कहाँ चला गया है? रियलाइजेशन में चला गया है। तो इतना मथक करना ही क्यों? इतना दिमाग लगाना ही क्यों? क्योंकि सारा का सारा असेट लाइबिलिटी का बैलेंस कहाँ चला गया? रियलाइजेशन में। मतलब असेट भी मर गए बेचारे, लाइबिलिटी भी मर गई। जिंदा क्या है? रियलाइजेशन। तो अब जो असेट अभी तक दिख ही नहीं रहा था, अनरिकॉर्डेड मतलब बैलेंस शीट में दिख ही नहीं रहा था, उसको बेच के 5,000 आए, पैसे आए 5,000, कहाँ क्रेडिट करो? रियलाइजेशन में। सिंपल। और अगर इसको आपको और ही बहुत ही डिटेल में समझना है, मतलब एक फंडा समझा रही हूँ कि आप किसी किसी के दिमाग में आएगा ना, तो मैं बताती हूँ आपको। देखो पेन कौन सी ले? ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है? ये रिलेवेंट नहीं है, सिर्फ फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए समझा रही हूँ। मैम अनरिकॉर्डेड असेट है, आप सीक्वेंस में चलो ना, ये मत करो। अच्छा सीक्वेंस से चलते हैं, पहले असेट को बुक्स में दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। चलो असेट बुक्स में आए, उसके लिए एंट्री क्या करोगे? असेट अकाउंट को डेबिट करोगे, असेट अकाउंट 5,000। अब कितने का असेट है हमें पता नहीं, हम ये मान रहे हैं जितने का बेचा है मान लो उतने का ही असेट है, क्योंकि बुक वैल्यू तो पता ही नहीं है, बुक्स में कभी दिखाया ही नहीं था, है कि नहीं? चलो 5,000। अब मुझे बताओ क्रेडिट किसको करोगे? क्रेडिट किसको करोगे? पीएनएल को क्रेडिट करोगे, क्योंकि एक असेट जो अभी तक दिखाया नहीं था बुक्स में, एक नया असेट आ गया, मतलब एक प्रॉफिट आ गया, पीएनएल को क्रेडिट करोगे। पीएनएल का सारा बैलेंस कहाँ जाता है? पीएनएल का सारा बैलेंस कहाँ जाता है? पार्टनर्स कैपिटल में। पार्टनर्स कैपिटल में मतलब यहाँ पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होगा। सुनना मेरी बात, ये एंट्री रिलेवेंट नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है? आपने असेट को जिंदा कर दिया, ये फर्स्ट एंट्री, जिंदा कर दिया आपने असेट को, मतलब बुक्स में ले आए। अब बुक्स में ले आने का मतलब क्या होता है? उसको डेबिट करो, असेट को बुक्स में ले आए। क्रेडिट किसको करें? अभी तक जो असेट दिख नहीं रहा था वो आ गया, मतलब एक प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट कहाँ जाता है? सारे पार्टनर्स के कैपिटल में, तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट कर दिया। सिंपल, ठीक है? अब डिसोल्यूशन हो रहा है तो असेट को खत्म करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। असेट खत्म कैसे करते हो? उसको क्रेडिट करके। डेबिट किसे करते हो? रियलाइजेशन अकाउंट को। सुनना बहुत अच्छे से, असेट, ठीक है? ये असेट हो गया खत्म, खत्म कर दिया असेट, खत्म कर दिया। अब उसके बाद उस असेट को आपने बेचा, बेचा, ये वाली एंट्री तो सेम ही होगी जैसे हर असेट के लिए होती है। जो भी असेट होता है उसको खत्म कर दिया रियलाइजेशन में, अब उसको बेच के जो पैसे आएंगे वो भी रियलाइजेशन में ले जाएंगे, है ना? ध्यान से सुनना, हम सिर्फ यही एंट्री करते हैं, ये दो एंट्री करते ही नहीं है। मैम क्यों नहीं करते? अब सुनो उसका रीजन, मेरी बात सुनना। जब आपकी फर्म बंद हो रही है, आप नया एक असेट है जो अभी तक बुक्स में नहीं दिख रहा था, बुक्स में नहीं दिख रहा था, अब उसको बेच के पैसे आए, पहले आप उसको बुक्स में क्यों दिखा रहे हो भाई? जब वो फॉर्म बंद हो रही है आप क्यों रट्टे में पड़ रहे हो कि पहले उसको बुक्स में दिखाओ, फिर बुक्स से हटाना भी है तो रियलाइजेशन में ले जाओ, क्यों कर रहे हो ऐसा? एंट्रीज के थ्रू समझाती हूँ इसका, क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं है। देखो देखो देखो, पहले आपने उसे बुक्स में जिंदा करा, जिंदा करा, पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट कर, क्रेडिट करा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्रेडिट किया होगा, ठीक है? उसके बाद उसने आपने उस असेट को मारा, मारा कैसे? रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाके। असेट मर गया, ये लो मर गया असेट, क्या जिंदा हो गया? रियलाइजेशन अकाउंट 5,000। मुझे एक बात बताना, रियलाइजेशन का जो भी बैलेंस होता है वो भी कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? पार्टनर्स कैपिटल में। यहाँ पर ये रियलाइजेशन का जो डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, देखो फाइनली पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस का जो नेट होता है वो जाता है, वो जाता है, लेकिन मतलब हर एक आइटम का इफेक्ट तो होता है ना। ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से। फाइनली क्रेडिट और डेबिट बैलेंस का जो नेट इफेक्ट होता है वो पार्टनर्स कैपिटल में जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस का जो नेट इफेक्ट होता है वो जाता है पार्टनर्स कैपिटल में। इतना क्लियर? ठीक है, मतलब हर एक आइटम का इफेक्ट होता है उसमें। ये रियलाइजेशन अकाउंट को आपने 5,000 से डेबिट किया है, इसका मतलब ये भी
ये भी पार्टनर्स कैपिटल में ही जाएगा इनडायरेक्टली, क्योंकि डेबिट का टोटल करेंगे, क्रेडिट का टोटल करेंगे, जो नेट आएगा वो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में। मतलब ये डेबिट साइड का बैलेंस भी इनडायरेक्टली कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में ही जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में ही जाएगा। इससे क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, खत्म हो रहा है रियलाइजेशन। ठीक है, मैंने तो पूरा बैलेंस है तो नेट जाता है बच्चा, नेट आता कैसे, हर आइटम का इफेक्ट आता है ना उसमें, डेबिट बैलेंस का हर आइटम का टोटल, क्रेडिट बैलेंस का हर आइटम का टोटल, उसका जो नेट इफेक्ट है वो पार्टनर्स कैपिटल में जाता है। इसका मतलब हर आइटम इनडायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल में जाता है, सारे डेबिट बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल में जाते हैं, सारे क्रेडिट बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल में जाते हैं। तो इनडायरेक्टली जो नेट इफेक्ट होता है, नेट इफेक्ट हमें पता चलता है कि बस वो ही पार्टनर्स कैपिटल में जाता है। मतलब बैलेंस तो हर कोई इफेक्ट करता है ना, हर एंट्री इफेक्ट करती है ना पार्टनर्स कैपिटल को, रियलाइजेशन अकाउंट में आने वाली हर एंट्री पार्टनर्स कैपिटल को इफेक्ट करती है। ठीक है, ये है डेबिट एंट्री, ये कहाँ जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगी, तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब देखो, एक असेट डेबिट और क्रेडिट होके खत्म, यहाँ पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इन दो एंट्रीज का कोई मतलब ही नहीं होगा, इसीलिए अनरिकॉर्डेड असेट के केस में हम ये बोलते हैं, भाई अभी तक वो असेट बुक्स में नहीं दिख रहा था, नहीं दिख रहा था, अब तो फॉर्म ही बंद हो रही है, सारी बुक्स ही बंद हो रही है, तो उसको वापस से बुक्स में दिखाओ, मतलब पहले जिंदा करो, उसके बाद उसको मार दो, रियलाइजेशन में ले जाओ, इसका कोई मतलब ही नहीं है। इससे अच्छा सीधा सीधा एंट्री करो, असेट बेचा, पैसे आए, हमारे पास एक ही अकाउंट जिंदा है रियलाइजेशन, उसमें डाल दो। इसलिए सिर्फ ये एंट्री होती है रिलेवेंट। समझ गए। तो अनरिकॉर्डेड असेट की एंट्री क्या होती है, जो बेचा पैसे आए, क्रेडिट क्या होगा, रियलाइजेशन। ठीक है, एक और आगे बढ़ते हैं, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी तो हो सकती है, बट अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का होगा जी पेमेंट, है ना, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का होगा जी पेमेंट। ठीक है, पेमेंट होगा, कैसे पेमेंट होगा, पैसे जाएंगे टू बैंक, डेबिट क्या होगा, एक ही अकाउंट तो जिंदा है, रियलाइजेशन डेबिट कर दो, टू बैंक पैसे गए, रियलाइजेशन अकाउंट से गए। मैम ऐसा क्यों कर रहे हैं, पहले लाइबिलिटी बुक्स तो वैसे ही बंद हो रही है, पहले जो अनरिकॉर्डेड मतलब अभी तक बुक्स में दिख नहीं रही थी, पहले लाइबिलिटी को जगाओ, मतलब बुक्स में दिखाओ, फिर उसको वैसे ही मारना पड़ेगा, क्योंकि अब बुक्स बंद करनी है तो उसको मारो, इसका क्या मतलब है, पहले जगाओ फिर मारो, इससे अच्छा ना जगाओ ना मारो, खत्म करो ना, जिधर बेच रहे हो जो पैसे जा रहे हैं गए, एक ही अकाउंट जिंदा है, रियलाइजेशन उसे डेबिट कर लो, वरना हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले लाइबिलिटी को जिंदा करो, मतलब लाइबिलिटी को क्रेडिट करते, कोई भी लाइबिलिटी दिखने के लिए क्रेडिट करते, और लाइबिलिटी हो रही है, नई लाइबिलिटी आ रही है, मतलब एक नुकसान है, तो नुकसान कहाँ जाता है, पार्टनर्स कैपिटल में, तो आप पार्टनर्स कैपिटल टू लाइबिलिटी करते। ठीक है, लाइबिलिटी को जगा दिया, मारना पड़ेगा क्योंकि डिसोल्यूशन हो रहा है, बुक्स बंद हो रही है, मारोगे कैसे, मारोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, सॉरी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, है ना, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, आपने क्या किया, लाइबिलिटी को मार दिया। ठीक है, जब लाइबिलिटी को जिंदा किया, पार्टनर्स कैपिटल को क्या किया, डेबिट, जब लाइबिलिटी को मारा, आपने किसे क्रेडिट किया, रियलाइजेशन, जो फाइनली कहां जाता है, जिसका बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल में, मतलब रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, लाइबिलिटी जिंदा हो गई क्रेडिट, फिर मर गई डेबिट, लाइबिलिटी खत्म, पार्टनर्स कैपिटल लाइबिलिटी के जिंदा होने पर क्या हो गया, डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल लाइबिलिटी के खत्म होने पे क्या हुआ, क्रेडिट, क्योंकि रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है, जिसका फाइनली बैलेंस कहां जाता है, पार्टनर्स कैपिटल में। तो एक बार पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, एक बार क्रेडिट, एक बार लाइबिलिटी जिंदा, एक बार मर गई, क्या मतलब है इन एंट्रीज का, इसीलिए इन एंट्रीज को नहीं किया जाता है। अगर डिसोल्यूशन के टाइम पे कोई अनरिकॉर्डेड असेट होता है, कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होती है, मतलब जो बुक्स में अभी तक नहीं दिख रही थी, तो मत दिखाओ ना बुक्स में, क्या मतलब है उनको जिंदा करने का, फिर वापस से मारना ही पड़ेगा क्योंकि बुक्स बंद कर रहे हैं हम, पहले जिंदा करो फिर मार दो, रियलाइजेशन में ले जाओ, क्या मतलब है, ना जिंदा करो ना मारो, बस इतना बताओ, इसको ऐसे समझ लो, अच्छा इस असेट से पैसे आ रहे हैं,
लाओ पैसे, कहाँ जाएंगे पैसे, एक ही अकाउंट जिंदा है रियलाइजेशन तो बैंक टू रियलाइजेशन। अच्छा इसका पेमेंट कर रहे हो, पैसे गए मतलब बैंक कर रहे, कहाँ से दोगे पैसे, रियलाइजेशन, एक ही अकाउंट जिंदा है रियलाइजेशन, सिंपल। क्योंकि उस असेट को बेच के सारे पैसे रियलाइजेशन में ही आते हैं, तो वहीं से सारा पेमेंट होता है। असेट को बेच के सारे पैसे रियलाइजेशन में आते हैं, तो जो असेट अभी तक बुक्स में नहीं दिख रहा था, अगर उसको भी आपने बेचा है, पैसे आ रहे हैं, कहाँ आएंगे रियलाइजेशन में। कोई लायबिलिटी अभी तक बुक्स में नहीं दिख रही थी, उसका पेमेंट क्या है, कहाँ से करोगे, रियलाइजेशन से, क्योंकि सारे पैसे रियलाइजेशन में है, क्योंकि अब बुक्स बंद हो रही है। एक अनरिकॉर्डेड असेट या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को आप पहले जिंदा करो, क्योंकि अभी तक बुक्स में दिख नहीं रही थी, बुक्स में लेकर आओ, उन्हें जिंदा कर दिया। फिर अब भाई बुक्स बंद करनी है तो उन्हें मारना पड़ेगा, मारकर कहाँ ले जाओगे, रियलाइजेशन में, फिर उन्हें मारो, एक बार जिंदा करो, फिर से मार दो, क्या मतलब है उन एंट्रीज का, इसलिए वो एंट्रीज हम नहीं करते। क्लियर? ओके, ठीक है। एक और पॉइंट, आज की क्लास का लास्ट पॉइंट, आपको लायबिलिटी साइड में पार्टनर्स लोन भी दिख सकता है। हाँ मैम, बिल्कुल दिख सकता है ना। पार्टनर्स लोन दिख सकता है बच्चा, देखो ये भी एक लायबिलिटी ही है, कैपिटल थोड़ी ना ये, उसने लोन की तरह पैसे दिए, मतलब ये एक लायबिलिटी है, उसने कैपिटल अकाउंट में पैसे नहीं दिए, एज द ओनर पैसे नहीं दिए, उसने बोला ये मैं लोन की तरह दे रहा हूँ पैसे, तो ये पार्टनर्स लोन भी क्या है, लायबिलिटी। हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनो, जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं ना, इस लायबिलिटी को भी खत्म करते हैं, मतलब इसको मारते हैं, तो इसको कहां ले जाते हैं, रियलाइजेशन में, ठीक है, इतना तो हम करते हैं। उसके बाद हम बोलते हैं हमने सारे असेट को बेचा, उससे हमें पैसे आए, पैसे आ गए, ठीक है। फिर उन पैसों से हम सारी लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे, है ना, तो हम पहले सारी लायबिलिटी का पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। पर कौन सी लायबिलिटी, एक्सेप्ट पार्टनर, पार्टनर को छोड़ के, उसके बाद अगर पैसा बचता है तो पार्टनर लोन का पेमेंट होगा। ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया था, पार्टनर लोन का पेमेंट होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो अभी आज हमने कितने पॉइंट सीखे, हमने सीखा असेट लायबिलिटी को मारना पड़ता है, रियलाइजेशन में ले जाओ, असेट को बेच के जो पैसा आता है रियलाइजेशन में ले आओ, लायबिलिटी का पेमेंट रियलाइजेशन अकाउंट से करो, इतना क्लियर। कोई अनरिकॉर्डेड असेट है, उसको बेच के जो पैसा आ रहा है रियलाइजेशन में ले आओ, सिंपल। अनरिकॉर्डेड अभी तक बुक्स में दिख नहीं रही थी, उस लायबिलिटी का पेमेंट है, रियलाइजेशन से करो, ठीक है। एंड पार्टनर्स लोन इज ऑल्सो अ लायबिलिटी, तो वो भी मरेगी, मतलब वो भी रियलाइजेशन में आएगी, लेकिन जब हम पेमेंट करेंगे तो हम ये ध्यान देंगे कि असेट को बेच के जितना भी पैसा है, सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटी का पेमेंट होगा, फिर पार्टनर लोन का पेमेंट होगा, अगर पैसे बचेंगे तो। कूल, इतना क्लियर। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम समझते हैं, फिगर्स के साथ इसे और अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। मैं खुद से क्रिएट कर रही हूँ ये एग्जाम्पल, हम तो सॉल्व बिल्कुल करेंगे, लेकिन एक सिंपल क्वेश्चन, जितने पॉइंट्स अभी कवर किए उसको लेकर एक क्वेश्चन फ्रेम कर रही हूँ कि हम इसे कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड है असेट में 1 लाख का, ठीक है, और क्या लूं, बिल्डिंग ले लेती हूँ 4 लाख की, कैश एंड बैंक बैलेंस दिख रहा है 2 लाख का, ठीक है, ओके। ये कितना हो गया बच्चा जी, 4 और 2 6 7 लाख हो गया टोटल, है ना, ओके। लायबिलिटी में मैं क्या आ जाती हूँ, क्रेडिटर ले लेती हूँ 1 लाख के, क्रेडिटर है मेरे 1 लाख के, ठीक है, ओके। इधर रिजर्व वगैरह मैं नहीं लिख रही हूँ, वैसे रिजर्व भी हो सकते हैं, तो वो पार्टनर्स कैपिटल में जाते हैं, ठीक है। ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, इक्वल पार्टनर्स हैं, ठीक है, तो ए पार्टनर ने, पार्टनर्स ए, उसने लोन दिया है, कितना लोन दिया है, 50K का, ठीक है भाई, 50K का लोन दिया, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। उसके बाद ए एंड बी का कैपिटल अकाउंट दिखना चाहिए, ठीक है, चलो ये भी ना इजी कैलकुलेशन के लिए इसे भी 1 लाख ले लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 लाख, 7 लाख में से 2 लाख गया 5 लाख, ठीक है ना, तो 2.5 लाख दोनों का कैपिटल इक्वल, 2.5 लाख, 5 और 6 7, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ कि रियलाइजेशन में करते कैसे, ठीक है।
अब दिया हुआ है कि स्टॉक एंड ट्रेड और जो बिल्डिंग है। हाँ, तो बिल्डिंग से हमें 5 लाख मिल गए, स्टॉक एंड ट्रेड से हमें 2 लाख मिल गए। अरे वाह, ठीक है। और क्रेडिटर को हमने 1 लाख का पेमेंट करा है, ठीक है, ये लिखा है। पार्टनर्स लोन के लिए अभी कुछ लिखा नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। या सपोज मैं एक ट्विस्ट डालती हूँ, स्टॉक एंड ट्रेड के लिए कुछ नहीं लिखा है, लिखा है कि बिल्डिंग को बेचा, 5 लाख मिले हैं, क्रेडिटर को पैसे दिए, 1 लाख दे दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो, ये ट्विस्ट मैंने इसलिए डाला समझाने के लिए, ध्यान से बच्चा समझना, ठीक है। सबसे पहले हम सिंपल सिंपल असेट लाइबिलिटी को मारेंगे मारेंगे, ठीक है। तो असेट कैश को छोड़ के, है ना, तो डेबिट है मतलब क्रेडिट करना पड़ेगा। रियलाइजेशन अकाउंट क्या हुआ होगा, क्रेडिट की, ना 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 ना, सॉरी 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 सॉरी, ओके, डेबिट क्रेडिट, सारे असेट्स को क्रेडिट किया होगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट हुआ होगा ना। देखो, स्टॉक 1 लाख, बिल्डिंग 4 लाख, और उसके बाद लाइबिलिटीज को भी मारना पड़ेगा। लाइबिलिटी कौन सी है, क्रेडिटर और पार्टनर्स लोन। कैपिटल अकाउंट तो लाइबिलिटी होता नहीं है, मतलब रियलाइजेशन में नहीं आता, ठीक है, मारना पड़ेगा, मतलब लाइबिलिटीज डेबिट हुई होंगी, रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ होगा। क्रेडिटर 1 लाख, पार्टनर ए ने जो लोन दिया है 1 लाख, ठीक है, 1 सेकेंड, सबको विजिबल है, ओके, चल, इतना क्लियर, फंडा क्लियर है ये, यस मैम क्लियर है, अच्छी बात है, क्लियर है, तो आ जाओ आगे, अब हम सीखते हैं कोई चीज, मैं कुछ सिखा रही हूँ ना तो सीखो, ठीक है, ओके, चलो मैम आप क्या करें, कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है, क्या करना है देखो। अब हम ये बोलेंगे कि चलो अब हमने असेट्स को बेचा, सारा पैसा कहाँ आएगा, रियलाइजेशन में आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट क्रेडिट का होगा, रियलाइजेशन, तो बैंक अकाउंट। अब देखो, बिल्डिंग को लिखा है उसमें 5 लाख, 5 लाख, स्टॉक एंड ट्रेड की कुछ भी बात नहीं लिखी, जिस असेट की कोई बात नहीं लिखी होती, हमें मानना होता है कि हमने उसे बुक वैल्यू पे सेल कर दिया। ध्यान से, जिस असेट की कुछ बात नहीं की होती, हम मानते हैं हमने उसे बुक वैल्यू पे सेल कर दिया है, मतलब हमें स्टॉक से 1 लाख मिल गए हैं, बुक में 1 लाख दिख रहा है ना। बिल्डिंग के लिए बात की गई थी 5 लाख का बेचा है, तो हमने बोला 5 लाख आ गए हैं। स्टॉक की कुछ बात नहीं की गई थी, तो हम बोल रहे हैं बुक में कितने दिख रहे हैं, 1 लाख के, ये आ गए पैसे। एंट्री क्या हुई होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। अब पैसे आ गए, पैसे तो दोगे, लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं करोगे, लाइबिलिटी के लिए क्रेडिटर लिखा हुआ है, 1 लाख का पेमेंट हमने करा है, ठीक है, तो एंट्री क्या हुई होगी, एंट्री का ये होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसे गए, है ना, क्रेडिटर 1 लाख, 1 लाख ही लिखा था और 1 लाख का ही पेमेंट किया, ठीक है। उसके बाद जिस लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं लिखा रहता, हम मानते हो हमने उसका पेमेंट भी कर दिया है, जिस लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं लिखा रहता, हम मानते हैं हमने उसका पेमेंट भी कर दिया है। लेकिन यहाँ कौन सी लाइबिलिटी है, पार्टनर्स लोन, क्या हमारे पास उसे देने के पैसे हैं, ये देखो हमारे पास 6 लाख है, 6 लाख है। आउटसाइड लाइबिलिटी कितनी है, पार्टनर को छोड़ के 1 लाख, हमने 1 लाख का पेमेंट कर दिया, तो भाई हमारे पास तो 5 लाख है, मतलब हम पार्टनर लोन का पेमेंट कर सकते हैं। पहले सारी आउटसाइड लाइबिलिटी का पेमेंट होगा, जो पैसा आया उसमें से सबसे पहले पेमेंट क्या होगा, आउटसाइड लाइबिलिटी का। देखो मेरी बात, जिस असेट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है वो असेट तो उत्ते का ही दिखा, जिस असेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, हम मानते हैं जितना बुक्स में दिख रहा है, बुक वैल्यू है उतने का बिका, क्लियर, ठीक है। उसके बाद ये पैसा आया, उससे पेमेंट कहाँ होगा, पार्टनर को छोड़ के पहले बाकी सारी लाइबिलिटी का, जिस लाइबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी है हम उसका पेमेंट करेंगे, जिस लाइबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी क्वेश्चन में, हम मानते हैं हम उसका पेमेंट भी करेंगे। लेकिन अगर वो लाइबिलिटी पार्टनर्स लोन है, तो बस हमें ये चेक करना पड़ता है कि हमारे पास उतने पैसे हैं कि नहीं है। क्लियर क्लियर क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है, ओके। तो अब देखो, हमारे पास 6 लाख है, 1 लाख की लाइबिलिटी का हमने पेमेंट कर दिया, मतलब हम पार्टनर्स लोन भी पे कर सकते हैं। और वैसे आप इसको मानो कि आप पेमेंट कर दिया है, पार्टनर्स लोन भी हो ना तो मान लो कर दिया है, मैम क्यों माने, पर पहले आउटसाइड लाइबिलिटी का पेमेंट होगा, मैम ऐसा क्यों माने, लॉस आ जाएगा ना, इनडायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है, फाइनली पार्टनर्स कैपिटल में सेटल हो जाएगा वो, ठीक है। आप ये मानो
जितना पैसा है सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटी का पेमेंट होगा, फिर पार्टनर लोन का पेमेंट होगा, जैसा मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो सबसे पहले क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया, कोई लायबिलिटी बच गई, हाँ बच गई ना पार्टनर्स लोन, तो सारी लायबिलिटी का पेमेंट भी होगा बिल्कुल होगा, तो आपने 1,00,000 का पेमेंट भी कर दिया। आप इसे सिंपल मानो, क्या मानो, सारे असेट और लायबिलिटी बुक्स में ले आए, सारे असेट को बेच के पैसे आए आ गए, जिस असेट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है वो तो उत्ते का ही बिका, जिस असेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हम मानते जितना बुक्स में दिख रहा है वो उत्ते का बिका, खत्म। फिर हम सारी लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे, जिस लायबिलिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है उसके लिए तो उत्ता ही पेमेंट किया, जिस लायबिलिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दी है हम मानते हमने जितनी बुक्स में दिख रहा है उतना हमने उसका पेमेंट करा है, चाहे वो पार्टनर्स लोन ही क्यों ना हो, वो भी एक लायबिलिटी तो है ही ना। लेकिन सबसे पहले बस ये करते हैं कि आउटसाइडर्स को सबसे पहले पैसे देते हैं, फिर पार्टनर लोन को पैसे देते हैं, बस इतना फर्क होता है। लॉजिकली क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इसका कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि फाइनली सब कुछ पार्टनर्स कैपिटल में जाता है। ठीक है, अभी बताती हूँ कैसे, लेकिन लॉजिकली ये होता है कि हमारे पास जितना भी पैसा आता है हम सबसे पहले उससे आउटसाइड लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं, उसके बाद पार्टनर को पैसा दिया जाता है। इसका मैम मतलब क्या होगा? मतलब ये होगा, बहुत ऐसा सम मेरे हिसाब से है नहीं, मैं सिर्फ आपको लॉजिक से बता रही हूँ कि अगर यहाँ पे कम पैसे होंगे, ठीक है, यहाँ कम पैसे होंगे, आपने क्रेडिटर का पेमेंट किया, आपने दिख दिया पार्टनर लोन, ठीक है, फाइनली अगर इतने कम पैसे हैं कि आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आपकी बैलेंस शीट में कैश दिख रहा है ना, तो नहीं लेके आए हो उससे पेमेंट करो, क्योंकि सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटी का पेमेंट होता है, उसके बाद पार्टनर लोन का पेमेंट होता है, उसके बाद कुछ बच जाए तो पार्टनर्स के कैपिटल का पेमेंट होता है। ठीक है, ओके, पर सम करते वक्त इतना दिमाग हमें नहीं लगाना, इतना कॉम्प्लिकेटेड सम आएगा भी नहीं। ठीक है, ओके, चलो अब हम बस इतना याद रखना, जो बुक्स में दिख रही है ना असेट सबको बेच दिया, जिसकी इन्फॉर्मेशन है वो उत्ते पे बिका, जिसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है उसका मतलब जितनी बुक्स में दिख रहे हैं उत्ते पे बिका, सारी लायबिलिटी का पेमेंट होगा, जिसकी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन पे दी है वो उतने का पेमेंट हुआ, जिसकी नहीं दी है वो बुक्स में जितना दिख रहा है उतना पेमेंट हुआ, इतना याद रखना, ये मत भूलना। ठीक है, तो क्रेडिटर को 1,00,000, पर्सनल लोन 1,00,000, अब देख लो डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, चेक कर लो क्रेडिट में क्या क्या आ रहा है, भाई 8,00,000 आ रहे हैं, डेबिट में क्या क्या आ रहा है, 4 और 1 5, है ना, 5 6 7 लाख आ रहे हैं, हाँ 7,00,000 ही तो आ रहा है, क्रेडिट इज 8,00,000, डेबिट इज 7,00,000, मतलब 1,00,000 का प्रॉफिट, दोनों पार्टनर इक्वल है, ये रियलाइजेशन प्रॉफिट ए और बी को चला जाएगा 50K 50K, ऐसे बनता है रियलाइजेशन। अब पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनेगा, सिंपल है भाई, ये अभी बच्चा मैं रफ का बता रही हूं, सम तो हम फाइनली सॉल्व करेंगे ना। आजा भाई तू कहाँ जा रहा है, ठीक है, ओके, क्रेडिट सॉरी डेबिट क्रेडिट, तो बैलेंस दिख रहा था, बैलेंस 2,50,000 का था ना इनका, ए और बी का पर्टिकुलर बैलेंस कितना था भाई, 2,50,000, ओहो, रियलाइजेशन का प्रॉफिट है, क्रेडिट हो गया 50K, मतलब टोटल इनको देने हैं 3,00,000, 3,00,000, अरे वाह, ऐसा ही है ना, इतना ही आ रहा है ना, पर हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, हमारे पास तो सिर्फ 2,00,000 है, तो 2,00,000 दे दो, हम क्या करें, ऐसा ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि 5, देखो मेरी बात सुनो, 5 और 1, 6,00,000 ही कुल आए हैं हमारे पास, और आपने उसमें से पार्टनर्स लोन, अच्छा पैसा बच भी तो गया, बैंक अकाउंट तो बनाऊं मैं पहले, ठीक है, बैंक अकाउंट भी तो बनाएंगे, देखो सबसे पहले विजिबल है सबको, ठीक है, बैलेंस कितना दिख रहा है, 2,00,000 आपकी बैलेंस शीट में, अब असेट को आपने बेचा उससे आपको कितने पैसे है, 6,00,000 क्रेडिट हुए होंगे ना, बैंक अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, आप मुझे बता भी नहीं रहे हो, क्या हो यार, चलो ध्यान दो सब, मैं गलती करूंगी आप लोग भी, हाँ मैं क्रेडिट है बैंक का, ओवरड्राफ्ट है, लोन लिया मैंने, किसी बातें करते हो,
मतलब कितना बैलेंस है, 2 लाख का डेबिट बैलेंस है ना, 2 लाख का डेबिट बैलेंस है ना, ठीक है। और अब पैसे आए होंगे असेट को बेच के, ठीक है, कितने, 6 लाख। लायबिलिटी का पेमेंट भी तो किया है, ये मैं रफ कर रही हूँ, जब मैं सम कराऊंगी फाइनली आपको पूरे प्रिपेयर कराऊंगी अभी मैं, ठीक है। अभी मैं समझा रही हूँ सिंपल सम कैसे हो सकता है, ठीक है। और लायबिलिटी का पेमेंट किया है, देख लेते हैं लायबिलिटी का कितना पेमेंट किया है, 1 लाख और 2 लाख का पेमेंट किया है, ठीक है। लायबिलिटी पेमेंट 2 लाख, तो ये 6 और 2 8, 8 में से 2 गए, मतलब 6 लाख बचे हैं, 6 लाख ही तो देने हैं, 3 लाख इस पार्टनर को, 3 लाख इस पार्टनर को, 6 लाख ही तो देने हैं पार्टनर्स, ए को 3 लाख, बी को 3 लाख, लो हो गया पूरा टैली। मेरे पास 2 लाख पहले से ही थे पैसे, असेट को बेच के 6 लाख आए, मैं कह रही हूं मेरे पास तो 8 लाख है, 8 लाख है, 8 लाख है, 8 लाख, 8 लाख में से 2 लाख तो लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया मैंने, अब कितने बचे, 6 लाख। एक पार्टनर को 3 लाख दे, दूसरे पार्टनर को 3 लाख, देने भी 3 लाख है, कैसे, एक पार्टनर का बैलेंस 2.5 लाख है, दूसरे पार्टनर का बैलेंस 2.5 लाख है। उसके बाद रियलाइजेशन का प्रॉफिट गया पार्टनर्स कैपिटल में 50,000, 50,000, तो ए को देने मुझे 3 लाख, बी को देने 3 लाख, मेरे पास 6 लाख पड़े, मैं ए को 3 लाख और बी को 3 लाख दे दूंगी, सिंपल सिंपल, ठीक है, ओके, क्लियर है सबको। अब बच्चा इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, अभी हमारे कंसेप्ट्स बचे हैं, रियलाइजेशन में ही मुझे थोड़ी और चीजें आपको करानी है। मैंने आज आपको क्या करवाया, असेट लायबिलिटी को क्लोज करना, उनको बेच के सारे पैसे रियलाइजेशन में आते हैं, अनरिकॉर्डेड असेट और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी वाला पॉइंट, इतना हमने आज कवर कर लिया है। इसके आगे थोड़े और फर्दर एक्सप्लेनेशंस है तो उसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में कंसेप्ट्स खत्म हो जाएंगे, फिर सम तो हम बहुत जल्दी कर लेंगे, इतनी डिटेल में हम कंसेप्ट कर रहे हैं ना, तो आपको सम बहुत ईजी लगेगा, ओके बच्चा लो, थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग। और हाँ जी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उसे जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी हमारा बहुत जल्दी रिवीजन स्टार्ट होने वाला है, तो मैं सारे के सारे नोट्स, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसी चैनल पे पोस्ट करने वाली, और डेली बेस पे एमसीक्यूज तो उस चैनल पे पोस्ट होंगे, तो आप प्लीज उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।